Assalamualaikum dear students, this is Arjun Kumar. I am mathematics teacher. I have done MSc Applied Mathematics from University of Karachi. Today we are going to start chapter number 10 of the first year mathematics. This is the first year mathematics new STV book. तो आज हम इनका chapter number 10 start करेंगे. Chapter number 10, trigonometric identities of sum and difference of angles. Trigonometric identities of sum and difference of angles. तो स्टूडेंट देखें, आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करेंगे. व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, इस ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में किस किस को स्टडी किया जाएगा, ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो सेक्शन है चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर नंबर 12, ये तीन चार चैप्टर्स जो है इसे कंटिन्यूस पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन है. तो आज जो है हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे. तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली बेसिकली इट इज द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से निकाला गया है ट्रिग्नोमेट्री, विच इज कम्पोज ऑफ थ्री वर्ड्स, ट्राइगोनोमेट्री. ट्राइगोनोमेट्री तो ट्राइगोनोमेट्री यानी ट्राई यानी थ्री, गोनो एंगल, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट. कंपोज ऑफ थ्री वर्ड्स यानी अगर इसकी डेफिनेशन में आए स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन में आए तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इट इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स. तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में हमको एक्चुअली इसके दो टाइप से, देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल, मगर इसको दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है. एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक स्पेशल ट्राइंगल होता है, बाकी रिमेनिंग फाइव टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल वो अलग चीज होती है. अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक रेशियोज है उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे. तो ये जो आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं ये हम उस ट्राइंगल को देखेंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री की होगी. यहाँ देखें, ये हमने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी और सी ये इसके वर्टेक्स कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे, ये जो है ना आपका ये बी क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, इस तरीके से ट्राइंगल है. तो हम ट्राइंगल के अगर मेजरमेंट करेंगे ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल के टोटल सिक्स एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्राइंगल. कोई भी ट्राइंगल आप बनाए स्टूडेंट्स, इसके देर आर सिक्स एलिमेंट्स होते हैं. सिक्स एलिमेंट्स कौन से, अगर हमने ट्राइंगल बनाया ए बी बी सी एंड ए सी, अगर ये साइड कहलाएंगे तो ये साइड आपकी हो जाएगी ए बी, और ये साइड कौन सी हो जाएगी बी सी, ये साइड कौन सी हो जाएगी ए सी. तो इसके थ्री साइड्स हो गए, और एंगल एक मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी एंड मेजरमेंट एंगल सी. तो इसके मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी एंड मेजरमेंट एंगल सी. तो आपके थ्री इसकी एंगल्स हो गई और इसके करेस्पॉन्डिंग उनकी थ्री साइड्स हो गई. तो टोटल इस ट्राइंगल के जो है सिक्स एलिमेंट्स कहलाएंगे, सिक्स एलिमेंट्स. तो ट्राइंगल के सिक्स एलिमेंट्स को हम अगर स्टडी करें तो ये सारा का सारा ये डील करेगा ट्रिग्नोमेट्री से, ये सारा सारा हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे. राइट स्टूडेंट्स, अगर हमने ट्राइंगल उठाया तो ट्राइंगल में थ्री साइड्स है, ये एंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है. मैंने अभी बोला आपको तो इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे. अच्छा, ये होगी मेजरमेंट, इस वर्टेक्स को हमने एंगल उठाया मेजरमेंट थीटा, कोई भी एंगल थीटा है, इस थीटा के रेस्पेक्ट सारे हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन करेंगे. अगर ये एंगल है तो इनकी ये साइड जो कहलाएगी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, और एंगल की जो सामने वाली साइड होगी अपोजिट, उसको बोलेंगे अपोजिट साइड. और राइट एंगल की जो अपोजिट होगी ना ये हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी. क्या कहलाएगी स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज. तो ये ट्रिग्नोमेट्री में जो इनके रेशियोज है ये इसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो स्टूडेंट बेसिकली आपको रेशियो रेशियोज का आपको पता है. व्हाट इज द रेशियो, रेशियो इज नथिंग बट इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, टू सेम क्वांटिटीज, कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज. तो सेम क्वांटिटी का मतलब है हम ये ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी सेम क्वांटिटीज को जो है ना इसको रेशियो देखेंगे. तो सेम क्वांटिटी इन सच ए वे दैट वी आर लुकिंग फॉर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स, तो इसको रेशियो क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. याद रखते हैं स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा है. तो राइट एंगल ट्राइंगल ये रेशियोज है ना, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे वैलिड है, बाकी कोई स्केलेन ट्राइंगल है, एसएसएल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है, किसी भी ये इस पे वैलिड नहीं है. ये सारे सिर्फ ये रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री ये राइट एंगल ट्राइंगल पे वैलिड है. राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जो ऐसी एंगल जो एक एंगल किसकी हो 90 डिग्री की हो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल. राइट स्टूडेंट्स, अ ट्राइंगल हुज वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू
90 डिग्री ये अभी जो एंगल है ये 90 कहलाएगी तो इनका सब। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री इसका देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहला जो रेशियो है वो पहला रेशियो होता है साइन, पहला रेशियो कौन सा होता है साइन थीटा, साइन थीटा। और दूसरा होता है कोसाइन, कोसाइन थीटा। तीसरा होता है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट, कोसिकेंट एंड सीकेंट। ये स्टूडेंट देखें ये सिक्स रेशियो कहलाएंगे, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। ये सारे सिक्स रेशियोज हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जो ये साइन थीटा, इनको ये साइन थीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म साइन थीटा है। हमेशा साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट इनका, इस एंगल याद रखें थीटा हमने ये एंगल उठाया स्टूडेंट, इनका अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमेशा साइन थीटा है ना, आज के बाद याद रखें भाई साइन थीटा किसका रेशियो है, दो साइड का रेशियो, कौन कौन सी साइड, एक अपोजिट साइड और उसकी हाइपोटेन्यूज साइड की रेशियो, उसकी लेंथ का जो है ना रेशियो उसके इक्विवेलेंट है, यानी साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। अपोजिट साइड में क्या रखा हुआ है ए और हाइपोटेन्यूज क्या है सी, सी ए क्या है इसी जो वर्टेक्स है इसका अपोजिट इस्तेमाल सी से डिनोट किया है, और ए जो वर्टेक्स है इसका अपोजिट इस्तेमाल ए से डिनोट किया है। हम इसको साइन थीटा को यूं भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी। उसके बाद जो रेशियो है वो हमारा कौन सा रेशियो होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू विद रेस्पेक्ट दिस एंगल एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट ओवर adjacent side over hypotenuse. So this is adjacent कौन सी साइड स्टूडेंट देखें B over hypotenuse कौन सी C, तो ये हो जाएगी B over C ये हमारे। और next रेशियो कौन सा हो गया tangent, tan theta, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे tan theta। तो tan theta किसके बराबर होता है अपोजिट, अपोजिट ओवर adjacent, एडजेसेंट अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। देखिए स्टूडेंट विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल इसका अपोजिट, अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड आपकी कौन सी हो जाएगी अपोजिट साइड इज इक्वल टू ए और एडजेसेंट साइड कौन सी है बी। तो ये इसके बेसिक जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के थ्री रेशियोज है साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। बाकी रिमेनिंग जो इसके थ्री रेशियोज हैं ये इसके रेसिप्रोकल हैं, ये इसके रेसिप्रोकल हैं। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू इसका उलट हो जाएगा, देखें बेटा कोसेक थीटा और साइन थीटा किसके बराबर था अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसको उलट करके लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो हाइपोटेन्यूज देखें स्टूडेंट ना इसे रेस करके हाइपोटेन्यूज कौन सी सी और अपोजिट कौन सी ए, यानी ये आपका बन जाएगा सी ओवर ए, सी ओवर ए। कोस थीटा तो इसका रेसिप्रोकल बनेगा सेक थीटा, sec theta, secant इसका शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे sec, sec theta, ये बराबर होता है cos theta के reciprocal। तो cos theta किसके equivalent है adjacent side upon hypotenuse, इसको उलट करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका hypotenuse over adjacent side, तो hypotenuse देखें इस respect with respect to this angle theta उसका hypotenuse कौन सा c और adjacent कौन सा b, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं c over B, C over B। और नेक्स्ट हमारा कौन सा है cos theta, sec theta and cot theta जो reciprocal किसके tan theta के हैं। तो tan theta था opposite side upon adjacent side, तो cot theta को हम यूं लिखेंगे cot theta हो जाएगा adjacent over hypotenuse, opposite adjacent over opposite। तो adjacent कौन सी इस एंगल की B, अपोजिट कौन सी हो जाएगी ए, यानी ये जो है ये दीज आर दी सिक्स रेशियोज, दीज आर सिक्स रेशियोज। अभी इसमें स्टूडेंट एक देखें एक बार नोट करें जो तीन रेशियोज हमने स्टडी किए साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, ये तीन और इसके कोसेक, सेक और कोट। तो ये भी आपने देख लिया कि इनका जो साइन थीटा बराबर है ए अपन सी है, तो इसका कोसेक हो जाएगा सी अपन ए। तो देखो आपको रेसिप्रोकल दिख रहा है, अगर कोस थीटा आपने स्टडी किया तो यहाँ देखें क्या दिख रहा है बी अपन सी,
तो sec थीटा ऐसा क्या हो जाएगा c ओवर b। अगर tan थीटा आपने देखा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा a ओवर b, तो cot हो जाएगा b ओवर a। तो ये थ्री रेशियोज है ना, ये आपस में रेसिप्रोकल है। तो आज के बाद याद रखें, अगर दो रेशियोज रेसिप्रोकल रेशियोज को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट क्या निकलेगा, उनका रिजल्ट वन निकलेगा। देखो कैसे स्टूडेंट, देखें जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, अगर कोई बोले आपको भाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा किसके इक्विवेलेंट है, तो ये हमेशा बराबर होगा वन के। भाई देखें कैसे आया है, भाई साइन थीटा देखो किसके ओवर है, ए ओवर सी, इसी ट्राइंगल में ए ओवर सी, इंटू कोसेक थीटा देखो सी ओवर ए, तो क्योंकि रेसिप्रोकल है ये सी ओवर सी में से कैंसिल हो जाएगा ए ओवर ए, तो वन ओवर इज इक्वल टू वन, तो ये वन के बराबर है। तो हमेशा दो रेसिप्रोकल रेशियोज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रेशियो हमेशा किसके बराबर आएगा, इसका रिजल्ट वन के बराबर आएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया, हम यूँ भी कह सकते हैं भाई कोस थीटा इंटू सेक थीटा ये किसके इक्विवेलेंट हो गया वन के। हम यूँ भी कह सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ये भी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा वन के। अगर दो रेशियोज की प्रोडक्ट, अगर दो रेसिप्रोकल रेशियोज की प्रोडक्ट वन के बराबर है तो ईच रेशियोज इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल ऑफ द अदर कैसे, अगर स्टूडेंट देखें, अगर मैं कॉस थीटा फाइंड करूं इसमें तो कॉस थीटा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा वन ओवर सेक थीटा, वन ओवर सेक थीटा। अगर इसमें मैं टेन थीटा फाइंड करूं तो मुझे बताओ टेन थीटा किसके हो जाएगा इक्विवेलेंट, वन अपॉन कॉट थीटा। अगर इसमें मुझे साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा किसके हो जाएगा, तो देखो साइन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, वन ओवर कोसेक थीटा के। क्यों, क्योंकि कोसेक मल्टीप्लाई वहां शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। अगर टेन थीटा बराबर है कोट के तो डेफिनेटली तो आप यू भी लिख सकते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। यहां से आप यू भी लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू वन ओवर कोस थीटा, और यहां से आप लिख सकते हैं सेक कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन ओवर साइन थीटा, राइट स्टूडेंट। तो ये रेशियोज का ये हमको हमेशा याद होना चाहिए। तो ये रेशियोज कहाँ पे वैलिड है, ये रेशियोज उस ट्राइंगल पे वैलिड है जो ट्राइंगल हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। क्या दिखेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज द राइट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल, यानी 90 डिग्री की कोई एंगल होगी तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट आज हमारा जो ये बेसिक लेक्चर है इसका ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन अंडरस्टैंड की, और ये ग्रीक वर्ड है कंपोज ऑफ थ्री वर्ड्स ट्राइगोनोमेट्री। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री, इट इज द मेजरमेंट ऑफ स्टडी ऑफ ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये सारे हमको रेशियोज है, ये इसकी ट्राइंगल की उसकी साइड्स की एंगल्स की मेजरमेंट में हेल्प करेंगे। तो आज का मैं लेक्चर यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ बेसिक, और कल से जो है ना हम इसे और आगे स्टार्ट करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।